वैसे तो योगी सरकार को 5 साल बीत गए, मगर योगी सरकार के कार्यकाल 2.0 को देखें तो ये भी बीते 5 सालों से कुछ बेहतर नहीं है। यूं तो 1 महीने हो गए शपथ ग्रहण किए हुए योगी आदित्यनाथ को, और इस 1 महीने में वहीं जैसे सुस्त 5 साल बीते वैसा ही हाल अब भी है। कानून व्यवस्था की हथकड़ियों में जंग लग चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार है, शिक्षा व्यवस्था बार बार लीक हो जाती है, क्या करेंगे अब? आइए आपको कुछ उदाहरण भी दे देते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की तो बात ही ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर है इसका जीता जागता उदाहरण इनके खुद नए नवेले बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने ही भेष बदल कर दे दिया है। तस्वीरें छुपाए नहीं छुपेंगी, इधर कोविड महामारी के दौरान कई एम्बुलेंस चालक एक पर एक बेरोजगार कर दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस अब बच्चे चलाने लगे हैं। कानून व्यवस्था का तो कुछ कहना ही नहीं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मगर बाबा की ब्राह्मणवादी मंत्रिमंडल व प्रशासन पहले जातिगत अवधारणा बनाएगी फिर कार्रवाई करेगी। अमेठी में पिछड़ी जाति की एक महिला सब इंस्पेक्टर को हाल ही में तथाकथित प्रभुत्ववादी जाति के पुलिस अधिकारियों द्वारा जातिगत मानसिक उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, अंततः उस महिला इंस्पेक्टर ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ एक दलित वर्ग के लड़के द्वारा दबंगों से अपनी माँ की मजदूरी मांगने पर उससे पैर चटवाया गया। वहीं प्रयागराज में ही एक परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कल शपथ ग्रहण से ठीक 1 महीने बाद यानी कि 24 अप्रैल को 11 साल की बच्ची के साथ चर्च के प्रीस्ट ने रेप किया। शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में घटित हुई गाजियाबाद की घटना ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठा दिया है। बस में खिड़की से बाहर सिर निकालने के दौरान पोल से टकराकर बच्चे की मौत हो जाने पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस चिंता ने स्कूलों की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का स्कूलों द्वारा पालन ना किए जाने पर पेरेंट्स ने सरकार से भी सवाल किए हैं। स्कूलों में 470 बस व अन्य वाहन परमिट के बिना भी चल रहे हैं। स्कूल के लिए अलग से परमिट दिया जाता है जिसके लिए सभी जरूरी नियमों को पूरा करना होता है, मगर जिले में दौड़ रहे अधिकांश स्कूली वाहनों में ऐसा नहीं किया गया है। योगी सरकार के कार्यकाल का 2.0 वर्जन भी ऐसे ही नजर आ रहा है। बाकी 5 साल तो और गुजारना ही है, गुजारिए आप भी, गुजारते हैं हम भी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।